हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ओपन डेजर्ट। कहानी की शुरुआत में डेजर्ट के बीचों बीच ऊंची ऊंची चट्टानों में हमें एक लड़की लूसी और उसके साथी बेन को दिखाया जाता है जो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये चट्टानें बहुत ही खतरनाक है लेकिन किसी भी कीमत पर इन्हें ऊपर चढ़ना होगा। और अब यहाँ से कहानी 72 घंटे पीछे जाती है जहाँ पर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो डेविड के साथ कार में है। डेविड प्रोफेशन से एक वकील है। ये दोनों के दोनों एक अरब कंट्री घूमने के लिए आए हैं और जल्दी ये शादी भी करने वाले हैं। रात को जब एक रेस्टोरेंट में होते हैं तभी वहाँ पर लूसी को एक लड़का जिसका नाम बेन है वो खाने की कोई डिश भिजवाता है लेकिन उसके पैसे बिना पे किए ही वहाँ से निकल जाता है। लूसी भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह जब लूसी और डेविड को ट्रिप पर जाना होता है तभी डेविड की कंपनी से उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना है। डेविड लूसी से कहता है कि मैं ट्रिप पर आ नहीं सकता, तुम्हें अकेले जाना होगा। लूसी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि डेविड कभी उसे पूरा टाइम नहीं देता। और जब वो उस जगह पहुंचती है जहां से ट्रिप के लिए गाड़ी निकलेगी वहां पर वो बेन को भी देखती है जिसने रात को उसके लिए डिश ऑर्डर की थी। वो बेन के पास जाती है, बेन उसे बताता है कि वो भी यहाँ इस डेजर्ट में घूमने के लिए आया है। उसे एक ऐसी जगह पता है जो बहुत ही रोमांचक है। वो लूसी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन लूसी मना कर देती है और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है जिस गाड़ी में उसे ट्रिप पर जाना है। इस गाड़ी में बहुत सारे और भी टूरिस्ट होते हैं जो सबके सब बूढ़े होते हैं, इसीलिए लूसी के मन में आता है क्यों ना वो बेन के साथ उसकी उसी खास जगह पर जाए। वो बेन की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, बेन उसे ड्राइव करने के लिए कहता है और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह के बारे में बेन ने बताया था। ये सच में एक खूबसूरत जगह थी, यहाँ से डेजर्ट को दूर दूर तक देखा जा सकता था। लूसी को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। रात को दोनों वहीं पर स्टे करते हैं। जब सुबह लूसी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि बेन पैराशूट से नीचे कूद गया है। ये देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि अब उसे अकेले नीचे जाना होगा। बेन ने उसके लिए गाड़ी की चाबियां और एक नोट छोड़ा होता है। उस नोट में लिखा होता है कि जब तक तुम नीचे नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। लूसी इसके बाद उन खतरनाक चट्टानों से बड़ी मुश्किल से गाड़ी को नीचे लेकर आती है जहां पर बेन उसका इंतजार कर रहा होता है। बेन पर वो गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से वो लेट हो गए। इस वक्त तक उसे डेविड के पास जाना था। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो उस टूरिस्ट वाली गाड़ी के पास पहुंचता है। उसे पता चलता है कि लूसी इस गाड़ी में आई नहीं। इस बात से वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और लूसी को कॉल करने की कोशिश भी करता है लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया होता है। वहीं बेन और लूसी को दिखाया जाता है जो अब बड़ी तेजी से इस बीहड़ से बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी गाड़ी का टायर रेत में फंस जाता है। ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इनकी गाड़ी नहीं निकलती। लूसी यहाँ पर फोन करने की भी कोशिश करती है लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी के मोबाइल पर कभी कोई नेटवर्क नहीं आता, इसीलिए वो किसी से संपर्क नहीं कर सकती। बेन लूसी से कहता है कि जब तक यहाँ पर कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हमें यहीं पर रुकना होगा, किसी का इंतजार करना होगा। लूसी कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। बेन कहता है कि इस वक्त भीहड़ में बहुत ज्यादा गर्मी है, एक बार सूरज ढल जाए उसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं। और लूसी बेन की बात नहीं मानती, वो जानती है कि डेविड उसका इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए वो अपना बैग और पानी की बॉटल लेकर अकेले इस रेगिस्तान में आगे बढ़ चलती है। काफी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगती है, वो अपना सारा पानी पी लेती है और अब उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए जल्दी वो बेन के पास वापस आ जाती है। वापस आने के बाद भी उसे बहुत प्यास लगी होती है, इसीलिए वो बेन के पास रखी बॉटल से पानी पीने लगती है। बेन उसे कहता है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, हमें पानी को बहुत संभल के खर्च करना होगा। वो उसे एक मैप भी दिखाता है जिसमें वो कहता है कि यहाँ से 12 मील दूर ओपन डेजर्ट पैराडाइज है जहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। एक बार अगर हम वहाँ पहुँच गए तो जल्दी हम वापस अपने घर यानी कि अपने होटल्स पहुँच जाएंगे। और अब शाम होने के बाद लूसी और बेन यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं पर लूसी निकलने से पहले यहाँ पर एक मैप छोड़ देती है ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उन्हें पता चल सके कि ये किस तरफ गए हैं। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो पुलिस वाले के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी फियांसे जिसका नाम लूसी है वो गायब है। पुलिस वाला कहता है कि जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि वो पुलिस वाले को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाला पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिस वाला है। वहीं हमें लूसी और बेन को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं इसीलिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। वैसे भी लूसी को कभी डेविड ने टाइम नहीं
नहीं दिया, इसीलिए उसका मन उससे कहीं ना कहीं फेड अप हो चुका है। अब जब भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहां पर रेगिस्तान का तूफान आ जाता है, जिस वजह से इन्हें वहीं पर रात को स्टे करना पड़ता है। और जब सुबह इनकी आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि दोनों के दोनों रेत की चादर के नीचे सो रहे हैं। अब लूसी उठती और देखती है कि सामने रोड है जिस पर गाड़ियां जा रही है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, बहन को उठाती है और कहती है कि हम पहुंच गए। ये दोनों के दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि रोड तक पहुंचते देखते हैं कि इनके बीच में और रोड के बीच में एक बहुत गहरी खाई है जिसे पार करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये दोनों वहीं पर खड़े होकर कई गाड़ियों को इशारा करते हैं, लेकिन ये दोनों इतनी दूर होते हैं कि इन्हें कोई नहीं देख सकता। इनके पास अब पानी भी खत्म हो रहा है, ये पूरी तरह से हताश हो रहे हैं। लूसी बेन से कहती है, क्या तुम पैराशूट के जरिए उस पार जा सकते हो? बेन कहता है कि नहीं, अगर मैं पैराशूट से कूदा तो मैं खाई के अंदर लैंड करूंगा जिससे मेरी जान भी जा सकती है। और अब इन दोनों को नहीं पता कि दोनों क्या करेंगे। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो बेन के उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसे पता है कि बेन कहां पर गया है। डेविड को पता चलता है कि लूसी बेन के साथ गई है। वो उस आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी डेविड के साथ अपने दो आदमियों को भेजता है ताकि वो दोनों उसे उस जगह पहुंचा सके जहां पर बेन और लूसी गए हैं। वहीं लूसी और बेन को दिखाया जाता है जो अब उस गहरी और चौड़ी खाई के साइड साइड पर चलना शुरू करते हैं कि अगर कहीं पर ये खाई खत्म हो तो ये उस जगह को पार कर सके। लेकिन कई कोस चलने के बाद भी वो खाई खत्म नहीं होती। ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब इनका खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं। ये एक चट्टान के नीचे कुछ देर सो जाते हैं और जब इनकी आंखें खुलती है तो बेन तय करता है कि वो इस गहरी खाई को पैराशूट से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, लेकिन लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो जानती है ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। लूसी कहती है, क्यों ना हम इन चट्टानों से नीचे जाकर खाई के अंदर जाए और उसके बाद चट्टानों से ऊपर चढ़कर इस खाई को पार कर लें। ये दोनों के दोनों तय करते हैं कि ये ऐसे ही करेंगे, जिसके बाद ये इन चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये वही पल होता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। यहाँ पर जब ये चट्टानों पर होते हैं तभी लूसी का पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो चट्टान के ऊपर ही लटक जाती है। बेन उसकी मदद करने के लिए ऊपर जाता है और जब उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है तो ऊपर से नीचे गिर जाता है। लूसी भी नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब लूसी को होश आता है तो देखती है कि बेन बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका है, अब वो चल भी नहीं सकता। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो उन दोनों आदमियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर लूसी की और बेन की गाड़ी है। वहां पहुंचने के बाद डेविड को लूसी का कैमरा मिलता है जो उसी जगह भूल गई थी, और जब वो उसमें रिकॉर्डेड फुटेज देखता है तो उसमें लूसी और बेन की रिकॉर्डेड फुटेज होती है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। डेविड को लगता है कि लूसी उसे छोड़कर धोखा देकर चली गई, वो बेन के साथ खुश है इसीलिए वो उसकी तलाश करना बंद कर देता है। वहीं लूसी और बेन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से हताश हैं। दरअसल ये उस खाई के अंदर पहुंच ही नहीं पाए थे, जब ये थोड़ा सा नीचे गए थे तभी इनका पैर स्लिप हो गया था, यानी कि अब भी ये पूरी तरह से खाई के इसी तरफ होते हैं। और अब लूसी तय करती है कि वो पैराशूट से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसका पैराशूट उड़ने लगता है और जैसे ही वो उस खाई को पार करने वाली होती है तभी हवा का रुख बदलने की वजह से उसका पैराशूट नीचे खाई में चला जाता है, जहां पहुंचने के बाद लूसी बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो देखती है कि उसके सामने एक लड़की है, वो उसका पीछा करती है और वो एक कबीले तक पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। और उनके सामने पहुंचते वो वहीं पर गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। इसके बाद वो कबीले वालों को बताती है कि उसका साथी ऊपर है। कबीले वाले उसके साथी को यानी कि बेन को रेस्क्यू कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, जहां पर रात को बेन को होश आ जाता है। वो खुश होता है कि वो सही सलामत है। वहीं डेविड के वो दो साथी जिन्हें डेविड लूसी और बेन को अपने साथ ढूंढने के लिए यहाँ पर लाया था, वो दोनों के दोनों गाड़ी लेकर बेन और लूसी तक पहुंच जाते हैं। लूसी और बेन को अपनी गाड़ी में बिठाते लेकिन गाड़ी में डेविड नहीं होता। दरअसल इन दोनों आदमियों ने डेविड को पीछे बांध कर रखा होता है। इसके बाद ये बेन और लूसी से पूछते कि हम तुम्हें कहां छोड़ दें। बेन कहता है कि हमारी गाड़ी रेगिस्तान में भीड़ में बीच में फंसी हुई है, आप हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दें। और ये इन दोनों को वहां ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद इस भीड़ के कुछ खतरनाक व्यापारी आते हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं, जो इंसानों को खरीदते हैं। दरअसल ये दो आदमी जो डेविड के साथ आए थे ये इंसानों को बेचते हैं। डेविड इनकी गाड़ी में पीछे बंदी होता है और अब जो व्यापारी आए होते हैं वो डेविड और बेन को 20,000 डॉलर्स में खरीद लेते हैं। जब लूसी की बारी आती है तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं जिस वजह से सबके सब मारे जाते हैं। यहाँ पर अब एक ही व्यापारी बचता है और इससे पहले कि वो लूसी को और इन सब को अपने साथ ले जाता, बेन मौके का फायदा
उठाकर उसे गोली मार देता है। डेविड के साथ जो दो लोग आए थे उसमें से एक मारा जा चुका और दूसरा गाड़ी लेकर भाग जाता है। और अब यहाँ पर एक ही गाड़ी होती है जो कि बेन की गाड़ी है। डेविड उस गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश करता और रेत हटा रहा होता है, पर लूसी उसे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती। अभी बेन जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी है, वो लूसी से कहता है कि तुम अगर गाड़ी के टायर की हवा निकाल दोगे तो गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। ये सुनकर लूसी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। बेन कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था तो मैं तुम्हें पहली नजर में पसंद करने लगा था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी, मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं इस पूरे रेगिस्तान को, बीहड़ को अच्छे से जानता हूँ, मुझे यहाँ के हर एक रास्ते के बारे में पता है, पर शायद तुम्हारा साथ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सुनकर लूसी को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और अब ये सब के सब गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। जब भी अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लूसी डेविड को उसकी रिंग जो कि उसने उसे प्रपोज करते वक्त दी थी वो उसे लौटा देती है, क्योंकि जो वक्त उसने बेन के साथ गुजारा है वो उसके लिए बहुत ही प्रेशियस है, क्योंकि ये वक्त डेविड ने कभी उसे नहीं दिया था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।